Hello friends, and welcome to the PC Learners. इस वीडियो में हम रिव्यू टैब के बारे में बात करेंगे। रिव्यू टैब में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में सबसे पहले है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आप जैसे देख रहे हैं इस पे मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो गलत लिख रखे हैं, तो इन्हीं को चेक करने के लिए जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो यूज़ होता है। तो जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑन करेंगे तो आपको ये बता देगा कि उस वर्ड के जो सजेशन है कि जो सही स्पेलिंग है वो क्या हो सकती है। तो आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे वर्ड पर शिफ्ट हो जाएगा जो आपने गलत गलती से लिख दिया है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से जैसे ये बहुत सारे ऑप्शन जो है दे रहा है वो आप ले सकते हैं, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें तो आपकी जो गलत स्पेलिंग होगी वो आप इससे ठीक जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी स्पेलिंग जब ठीक कर ली तो उसके बाद आपको ये बताएगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कम्प्लीट, उसके बाद इसको आप कर दें ओके। तो इससे आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आप कोई जिस वर्ड की आपको स्पेलिंग नहीं आती है या कभी आप गलत लिख देते हैं तो आप इससे उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है थेरेसिस। थेरेसिस क्या करता है, एक वर्ड जो आपने यूज़ कर रखा है उसकी जगह आप अगर दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहें तो आप उसका मतलब सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसके सजेशंस दे देता है। जैसे मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं आ गया थेरेसिस पे। तो थेरेसिस मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा देता है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह। अगर आप भी ऐसे ही कोई वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहें किसी और की जगह जिसका मीनिंग सेम हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या, जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, वर्ड को काउंट करता है। जैसे अगर मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं सिर्फ इस पैराग्राफ के वर्ड्स जो है वो गिनना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है वर्ड काउंट पे। वर्ड काउंट आपको दिखा देगा कितने पेजेस में है वो, कितने वर्ड उसमें यूज़ हैं, कितने कैरेक्टर हैं विद स्पेस और विदाउट स्पेस, पैराग्राफ ये कितने हैं और लाइन्स कितनी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जितना लिखा है आपने वो टोटल हो तो आप किसी को भी सिलेक्ट मत करें और डायरेक्ट वर्ड काउंट दबा दें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वो यूज़ हो रखे हैं। एक जो है वो पेज यूज़ हो रखा है, 239 वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं स्पेस के साथ विदाउट स्पेस के साथ, कितने पैराग्राफ्स हैं और कितनी लाइन्स हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या करता है, ट्रांसलेट, पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट क्या करता है, जो भी आप पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं उसको अलग लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन इसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो भी आप प्रेफर करें, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्टेड है, हिंदी जो है वो नॉट इंस्टॉल बता रहा है। अगर हम यहाँ पे हिंदी इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप हिंदी में भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स हमने शायद पहले भी कर लिया है लेकिन हम वापस कर लेते हैं एक बार। तो आपको क्या करना है, वर्ड सेलेक्ट कर लेना है, उस पर जो भी आप कमेंट देना चाहे वो कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम एक दो वर्ड पे और कमेंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो तीन वर्ड्स पे कमेंट ले लिए हैं। अब चाहें तो यहाँ से कमेंट जो है नेक्स्ट करके या प्रीवियस करके कमेंट्स जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कमेंट डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से कमेंट को डिलीट कर दें। यहाँ पे आप क्लिक करें तो कर दें डिलीट, तो ये आपके कमेंट जो है वो डिलीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग जो है इसमें ट्रैकिंग जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल भी है ट्रैकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक चेंजेस की। ट्रैक चेंजेस क्या करते हैं, जैसे आपने कोई इम्पॉर्टेंट अपना डॉक्यूमेंट बना रखा है, आप चाहते हैं कि कोई भी इस पे चेंज ना करे या चेंज अगर करे तो आपको पता लग जाए, तो इसीलिए ट्रैक चेंज जो है वो यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रैक चेंज जो है वो ले लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले है सिंपल मार्कअप। अगर आप सिंपल मार्कअप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिस भी लाइन में अगर चेंज होगा तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेड कलर की जो लाइन है वो आ गई है, वो इंडिकेट करती है कि किस लाइन में जो है वो चेंजेस हुए हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो आता है ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप क्या करता है, जो भी चेंज होंगे उनको भी शो करेगा और जिस लाइन में है वो भी यहाँ पे आपको बता देगा।
उसके बाद एक ऑप्शन आता है नो मार्कअप का। अब नो मार्कअप क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो अब यहाँ पे जो है वो पता नहीं लग रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई करेक्ट वर्ड लिख दूँ एक, अब यहाँ पे मैंने एक करेक्ट वर्ड जो है वो लिख दिया है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता पहली बार में देख के कि कौन सा जो है वो चेंज है। तो अब हमें पता कैसे लगेगा, तो आपको यहाँ रिव्यूइंग पेन पे आना है और क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि क्या क्या डिलीट करा, हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, इससे कुछ नहीं आ रहा। उसके बाद है इंसर्टेड, इंसर्टेड में वो बता रहा है कि हमने ये एप्पल जो वर्ड है वो इंसर्ट करा है। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है, अगर आप वो चेंज रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करें, वरना कर दें रिजेक्ट। तो क्या होगा, उसे जो भी जो चेंज था वो यहाँ से रिजेक्ट जो है वो अपने आप खुद, उसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर दें। तो अब आप देखेंगे कि जैसा डॉक्यूमेंट पहले था वैसा ही डॉक्यूमेंट अब ये है। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है ओरिजिनल का, ओरिजिनल क्या करता है, पूरे चेंजेस जो हैं वो हमें शो करता है। अगर आप यहाँ से इसे डिलीट भी करेंगे तो भी ये आपको चेंजेस जो हैं वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं शो मार्कअप के, कि आप क्या क्या चेंजेस जो हैं वो ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पे सारे सिलेक्टेड हैं, यानी कमेंट्स आप ट्रैक करना चाहते हैं, इंसर्ट एंड डिलीट ट्रैक करना चाहते हैं, फॉर्मेट ट्रैक करना चाहते हैं कि अगर कोई कलर वगैरह चेंज करता है। लेकिन अगर आपने ट्रैक चेंज ले रखा है और कोई उसे ऑफ कर दे फिर तो आप कुछ चेंजेस देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक चेंज पर जाके लॉक ट्रैकिंग कर देना है, जो आपको एक पासवर्ड मांगेगा आपसे। तो अब आप यहाँ पे पासवर्ड जो है वो अपना कोई भी लगाना चाहे वो यहाँ पे लगा दें और कर दे ओके। तो अब जो है वो यहाँ पे ट्रैक चेंजेस जो है वो ऑफ नहीं कर पाएगा जब तक पासवर्ड नहीं पता हो, क्योंकि ट्रैकिंग जो है वो लॉक है। अब उसको अनलॉक करना चाहें तो वापस वही करें और पासवर्ड जो है वो डाल दें, उसके बाद आप ट्रैक चेंज जो है वो ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कंपेयर का, कंपेयर क्या करता है, जो भी दो वर्ड्स के डॉक्यूमेंट हैं उनको एक साथ ओपन कर देता है और उनमें जो कंपैरिजन है वो शो करता है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होता है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो। उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेन नेविगेशन पेन मिल जाएगी, जहाँ से आप ऑप्शंस जो है जैसे जैसे आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, क्या आप जो एडिटिंग है या जो चेंजेस हैं वो किसके लिए लिमिट करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दें वरना ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद है अलो ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो इसमें कर सकते हैं, क्या ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं, वो कमेंट्स लिख सकते हैं, फिलिंग इन द फॉर्म कर सकते हैं, या नो चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने नो चेंजेस सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि कुछ भी चेंजेस जो है वो यहाँ वो नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया एवरीवन, सबके लिए है, और स्टार्ट कर दिया मैंने प्रोटेक्शन। उसके बाद मैंने डाल दिया पासवर्ड और कर दिया ओके। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी चेंज जो है, कोई भी इवन अ सिंगल, हम स्पेस भी जो है वो यहाँ नहीं दे सकते, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं अब, जब तक यहाँ से आप स्टॉप प्रोटेक्शन ना करें। और स्टॉप प्रोटेक्शन जब आप करेंगे तो वो आपके पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड डालें। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, उसके बाद ही आप देखेंगे कि यहाँ, उसके बाद आप देखेंगे कि चेंजेस जो है वो होने लग गए हैं। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़।